स्टेशनरी, स्वेटर आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक समय सीमा के अंदर अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को तकनीक के साथ जोड़ करके प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने के अभियान के साथ आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। अप्रैल प्रथम सप्ताह में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर मुझे भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। स्कूल चलो अभियान के अच्छे परिणाम आए, इसलिए शिक्षा की दृष्टि से बच्चों को उपलब्ध करवाने के लिए नए पाठ्यक्रम के साथ, नए कंटेंट के साथ प्रस्तुत भी किए गए। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर एक बड़ा तबका ऐसा है जहां पर बच्चों की आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके पास टेलीविजन हो, उनके पास स्मार्टफोन हो या उनके पास कोई इस प्रकार के साधन हो जिसके माध्यम से वह इसको जान सके, देख सके और उस कार्यक्रम के साथ आसानी से जुड़ सके। और फिर बेसिक शिक्षा परिषद की जो बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता है वह कि वह एक ऐसी नाजुक उम्र है जहां पर बच्चे के लिए शिक्षक यानी अभिभावक के साथ साथ शिक्षक का व्यक्तिगत इंटरेक्शन बहुत आवश्यक होता है। और उस स्तर पर विगत दो वर्ष पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी के दौरान जिस भी परिस्थिति का सामना किया वह सबके सामने है।